अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्वागत भाषण है अभी, ठीक है, 5 मिनट का समय था, आपका 8:30 मिनट हो चुके हैं, मैंने सारा बोल आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ठीक है जी, सारा बोल दिया। 112 का बता दूं, जिम्मेवारियां हैं वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि आज अनिल जी कृपया समाप्त करिए, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, मैं इस तरह से नहीं चल पाएंगे, आपका धन्यवाद, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कानून पर नियंत्रण करने के लिए हमने डायल 112 शुरू किया, आप लोगों ने भी की होगी और प्रदेशों में भी होगी, लेकिन हमने डायल 112 में नई 600 गाड़ियां लेकर डाली, हर थाने पर 2 गाड़ियां हैं। आज 1 महीने में अगर हम पूछें तो लगभग 55,000 कॉल्स को वो अटेंड करती हैं। अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्वागत भाषण है अभी, ठीक है, 5 मिनट का समय था, आपका 8:30 मिनट हो चुके हैं, मैंने सारा बोल आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ठीक है जी, सारा बोल दिया। 112 का बता दूं, इसका जो रीच टाइम है वो 9.14 मिनट है, आज 9.14 मिनट में हमारी 112 पहुंच जाती है, यानी हर व्यक्ति को लगता है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस मेरे साथ है। और भी हमने सुधार के काम किए हैं और आज पुलिस का जो जिम्मेवारियां हैं वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि आज अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, मैं इस तरह से नहीं चल पाएंगे, आपका धन्यवाद, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, मुझे उम्मीद है कि जो हम 2 दिनों में चर्चा करेंगे उससे पुलिस की वर्किंग में बहुत सुधार आएगा। बहुत बहुत आभार माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज जी का। जहाँ एक तरफ मैं समाज में मूल्यों को कायम करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को हम प्रताड़ित भी करते हैं, हम समय समय पर अगर हमें लगता है जांच में पाया जाता है कि किसी अधिकारी ने अपने दायित्व का ठीक निर्वाह नहीं किया है, गलत किया है, हम सजा भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने 30 अवार्ड भी घोषित किए हैं, 30 अवार्ड